थोड़े दिन पहला असी अकाल यूथ वालों गुरद्वारा अंब साहब के बाहर जिहड़ा मैनेजर का दफ्तर है साइड के उत्थे प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करन दा कारण यही सी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरद्वारा अंब साहब की जिहड़ी करोड़ों रुपए की जमीन है वह धोखे दे नाल फरेब दे नाल उनू वेचिया जा रहा, क्योंकि 2012 ते 13 दरमियान भी जिहड़ी 23 किले जमीन है सैनी माजरे जिहड़ा इलाका पैंदा एरो सिटी उनू कहिंदे ने हुण एयरपोर्ट के नेड़े वो थां है जिहड़ी एक बीबी ने इस करके दान दे विच दित्ती सी कि उत्थे गरीबां दे लई कोई हस्पताल बना दिओ, गरीब बच्चों के लिए सिख बच्चों के लिए कोई स्कूल बना दिओ, जा बड़े लोग जिहड़े पी जी आई जिहड़े रहिंदे इलाज करन लई लोग जांदे ने वो तां कि इत्थे रह सकन, उत्थे कोई उहनां नूं कोई दिक्कत ना होवे किराए दी जां कोई फ्री दे विच रह सकन। पर जिहड़ी श्रोमणी कमेटी है इहदे वल्लों 12 ते 13 दरमियान उहदे चों 11.5 तों 12 किले जिहड़ी जमीन वेची गई है उस नूं सुण के भी तुसीं हैरान हो जाओगे उहदी कीमत नूं। उहदी जिहड़ी एक्चुअल कीमत सी 66 करोड़ रुपए की वह जमीन बनती सीगी उस समय, तो वह जिहड़ी जमीन है सिर्फ 19 करोड़ रुपए की बेचती है, तो बदले च इन्हां ने मलेरकोटले के लागे जमीन ली है श्रोमणी कमेटी ने 2013 के विच ही सिर्फ 14 करोड़ की, उहदी अज जिहड़ी कीमत रह गई है सिर्फ 9 करोड़। किथे अज जिहड़ी कीमत है जिहड़ी जमीन वेची है इन्हां ने 19 करोड़ 65 लख दी, उहदी अज कीमत है 66 करोड़, ते अज मलेरकोटले वाली जमीन है 14 करोड़ दी उहदी कीमत रह गई है सिर्फ 9 करोड़। तुसीं देखो कि इन्ना वड्डा घाटा जिहड़ा गुरु की गोलक नूं पाया जा रहा है, गुरु की गोलक की लुट कसुट की जा रही है, उहदा कोई इन्हां कोले जवाब नहीं, कोई इन्हां लोकां दे कोले हिसाब नहीं कि जिहड़ा गुरु घर का जिहड़ा पैसा वह कित्थे जा रहा, जदों कि वह मोहाली की संगत वास्ते साहिबजादा अजीत सिंह नगर की संगत वास्ते वह बीबी ने जमीन दान की सी, ते बदले च इन्हां ने मलेरकोटले क्यों ली है, मोहाली की संगत नूं उस गल का की फायदा होया। फिर इत्थे मैं दूजी गल ऐड करदे आ कि श्रोमणी कमेटी वालों हुण 40 करोड़ घाटे वाला बजट पास किया गया जिहड़ा सिख इतिहास अज तक नहीं होया कि गुरु की गोलक घाटे च गई होवे। असी मानते हैं कि करोना करके कुछ दिक्कतां आ सकदियां ने, पर इन्हां वल्लों बड़े बड़े जिहड़े घपले किए जा रहे ने गुरु की गोलक के उत्ते, उस करके जिहड़ी श्रोमणी कमेटी की गोलक है वह घटी है, ना कि करोना करके। करोना करके असी मानते हैं भी कुछ गल्लां दा जरूर फर्क पैंदा, पर बड़ा जिहड़ा फर्क पिया वो इस करके पिया कि इन्होंने गुरु की गोलक के नाल बड़े बड़े जड़े घपले किए ने। ते तीजा विशा साडा ये है कि गुरु ग्रंथ साहब जी के जेडे अनेक स्वरूप सीगे 328 स्वरूप ने वो लापता हुए नूं किन्ना समा हो गया, अज श्रोमणी कमेटी के एक भी मैंबर दे कोल कोई जवाब है कि वह स्वरूप गए कित्थे। साडे लई गुरु ग्रंथ साहब जी के उत्ते कोई भी मतलब चीज़ मतलब नहीं हैगी, अंतम साढ़े गुरु ग्रंथ साहब जी ने, तो उन्होंने जेडे स्वरूप इदा लापता होने, तो श्रोमणी कमेटी को किसी भी किस्म का जवाब ना होना कि वह गए कितने ने, सानू दसता दौ भी स्वरूप कितने गए ने। सो ये सारी गल्लां नू लैके असी बापू गुरचरण सिंह जी बैठे ने, एडवोकेट चहल साहब बैठे ने, इन्हां दी अगवाई दे विच 10 अप्रैल नू श्री अमृतसर साहब विखे श्रोमणी कमेटी जिहड़ा दफ्तर है उहदे बाहर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करांगे, ताकि जिहड़ी साडी गुरु की गोलक है उहदी लुट कसुट की जा रही है श्रोमणी कमेटी वल्लों बादल परिवार के ढहे चढ़ के उहनूं असी बंद करा सकीए। ये नाल ही मलेरकोटले थां पैंदी, मलेरकोटला ही पैंदा है जी, वो उत्थे इन्हां ने जमीन ली है 14 करोड़ की, उस समय ली सी, अज ही दी कीमत रह गई है 9 करोड़, तो जिहड़ी 19 करोड़ 65 लख की मोहाली साहिबजादा अजीत सिंह नगर की जमीन वेची सी उहदी देखो तुसीं कीमत है 66 करोड़, वह जिहड़ी वेची है जी 12 तो 13 के दरमियान जी। मलेरकोटले जी इन्हां ने 14 करोड़ की जमीन ली है, ये बारे पुख्ता असी आर टी लाई हुई है, वो जवाब साढ़े को आजगा उहदे बारे असी मैनेजर नूं अपील की सी भी सानू दस्या जाए कि वह जिहड़ा बचाला पैसे ने वह कित्थे गए ने, वह हजे तक उन्हां वल्लों किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिता गया। देखो जी जिहड़ी इत्थे हुण गमाडा नूं इह जमीन दे रहे ने
थोनू पता तुसी जर्नलिस्ट हो थोनू साडे नालों वध जानकारी होवेगी कि साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली एक पंजाब चो अहिजा जिला जिहदी सब तो वध जमीन है महंगी करोड़ों रुपए की जमीन है तो ये लोग गमाडा तो अपनी जमीन जी बेच रहे हैं एरो सिटी को बदले च पता की लै रहे हैं क्योंकि गमाडा ने स्पष्ट किया असी पैसे नहीं देने वे असी शोरूम देवे तो शोरूम के प्लाट तुम हिसाब ला लो कि वह कम कि आने ने संगत का संगत को की फायदा होना वा कि वह मैंबर ने अपने शोरूम बनाने ने मैंबर ने अपने उत्थे प्लाट बनाने ने अपनी कोठियां बनाया की बना ये सानू जवाब दे। देखो जी इस तरह के बहुत घपले हुए हैं क्योंकि जिहड़ा श्रोमणी कमेटी ते कब्जा है ना वो एक परिवार का बादल परिवार का कब्जा अज तक ना तो उत्थे कोई तकड़ी अपोजिशन आई है भी इन्हों हिसाब तो पूछ सके इस करके मनमर्जियां करते रहे जिहड़ा देखो हुण सरदा का एक एक पैसा संगतां का उहदे अपनी सियासत वास्ते वरतदे रहे उहदी मिसयूज करते रहे इस तरह के बहुत घबले हैं जिहड़े आ रहे हैं। एक सम आउंदे दिनां च असी होर फतेहाबाद जमीन है वह गुरु घर की बहुत बड़ा स्कैंडल है वह लैके थोड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि वह दिल्ली कमेटी नाल जुड़िया वा उस ते मनजिंदर सिंह सिरसा अपना कब्जा कर रहा गुरु घर की जमीन है उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से एक कॉलेज बनया सी वो कॉलेज नूं बिल्कुल ठप्प करके खंडर बना के उस ते उहदा निजी कब्जा इस तरह के बहुत घपले हैं जिहड़े असीं तुहाडे सामने लै गए हैं जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत तरह इस तरह के सारा देखो उत्थे भी जिहड़ा उस दिल्ली कमेटी ते भी लेबल लगता वो बादल का ही लगता हुण इलैक्शन भी उस ते लड़ रही है इस करके वो इस पैटर्न ते कम कर रही है दिल्ली कमेटी भी पर अज असी संगतां नूं भी सचेत करना चाहते हैं भी जिहड़ी ये 25 अप्रैल नूं चोण आ रही है इस बादल परिवार जिहड़ा इस कमेटियां दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है इस तो इन्हां नूं पासे हटा के चंगे हत्थां च प्रबंध लिया जा सके तां कि असी अपने गुरु घर के प्रबंध च सुधार करके जिहड़ा गुरु साहब दा निशाना सानू हुक्म है वो तहत असी उस तरह के कम करिए कि संगत उसका संगतान फायदा भी होए संगत वो तो सिख बन जुड़न इस करके जे असी उस पैसे की गुरु की गोलक की योग वरतों करके संगत के भले खर्च कराने देखो जी वह भी असी संपर्क किया उन्होंने सामने आने तो जो फिलहाल मना किया असी कोशिश कर रहे हैं भी उन्होंने इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया के बिठाया जाए कि जी उन्हों वलों शरदा के नाल जी जमीन है गुरु घर के लिए मतलब दान च दिती सी उहदा अज की सौदेबाजियां हो रही ने बाकी इस दे बाबत असी गमाडा ते पुड्डा नाल संबंधित जिहड़े मंत्री ने सरदार सुख सरकारी है जी उन्होंने भी संप अपील करांगे पंजाब सरकार नूं भी असी थोड़े माध्यम राही अपील करते हैं भी ये तो बंदे मतलब माड़े काम कर ही रहे हैं गुरु की गोलक नाल तुसी भी इन्हां दे नाल पापां दे जिहड़े भागीदार ना बनो वो जमीन नूं ना अक्वायर किया जाए साडी अकाल यूथ वल्लों लीगली तौर पर भी असी उत्थे जे हाई कोर्ट भी सानूं जाणा पिया इत्थे चहल साहब उहदे बाबत भी गल करनगे कि सानू हाई कोर्ट भी जाना पिया उतों भी असी बिल्कुल भी गुरेज नहीं करांगे ता कि किसी ना किसी तरीके दे नाल जिहड़ी करोड़ों रुपए की गुरु की गोलक दे उत्ते लुट बज रही है जमीन वेची जा रही है उहनू असी किसी ना किसी तरीके नाल रोकण दे विच कामयाब होईए। देखो जी एक गल एक गल असी स्पष्ट कर दी है कुछ दिन पहला असी गुरुद्वारा अंब साहब ना थोड़ा मीडिया भी उस टाइम पहुँचा बई सी उत्थे असी प्रोटेस्ट करिया सी मेमोरेंडम भी मैनेजर नूं दित्ता सी उस दे जवाब च जिहड़ा मैनेजर ने जवाब दिया ना उहदा उह कहिंदा है इह जिहड़ा होया उह पिछले मैनेजर दी उस च जां पिछले प्रधान दी देख रेख च होया इस दा 3 महीने दा प्रोसैस हुंदा कहिंदा जे कोई गुरु घर की जायदाद पर कोई इतराज़ करदा ना वो 3 महीने के अंदर अंदर हाजिर करना चाहिए
पर किसी ने कहना विरोध नहीं करया, इस करके वो पिछली कमेटी ते दोष सारा ला रहा, वो मन गए है नी नहीं सहमति नहीं फैमिली नहीं। देखो कोई नहीं, देखो जिहदी शरदा उहदी इत्थे सी, जिन्हें दान दई है कोई 23 किले छोटी जायदाद नहीं, उहदी शरदा देखो किन्नी है गुरु घर ते। नहीं नहीं इन्होंने बिल्कुल नहीं दस्या, जो इन्होंने एग्जैक्टिव से वो मता पास करके वो दई है ना, वो अपनी नाल दई है, वो इस तो पहला जिहड़ा प्रधान है गोबिंद सिंह लौंगोवाल उहदी देखरेख सारा होया। जिहड़ा 2012 तो 13 दरमियान जमीन बेची गई है वो सरदार मक्कड़ सीगे, उन्होंने 2010 तो यह स्टेटमेंटा आनिया शुरू की हो गई सी, जिदा उस समय भी सिख जथेबंदियां ने रौला पाया सीगा कि असी गुरु घर की एक इंच भी जमीन जी नहीं बेचण देवांगे, है ना, वो अज भी तुसी ऑनलाइन स्टेटमेंट उन्हां दी मौजूद है, पर होया कि वो सिर्फ 19 करोड़ दे विच, मतलब जी 66 करोड़ जी की कीमत बनती है वो सिर्फ 19 करोड़ दे विच मतलब बेचती इन्हां लोगों ने उस समय। नाले सब तो वड्डी ये गल है कि जिहड़ी जमीन मोहाली की संगत लई है उत्थे जंगल च मलेरकोटले लैण दा संगत नूं की फायदा, उत्थे बनाया की है सिर्फ खेत ने, उत्थे जिहड़ी फसल आउंदी है उहदा इह ठेका लै लैंदे ने, वा इन्नी क गल है। हाँ जी देखो जी इस दे बाबत साडी टीम बैठी सी, उन्होंने जमीन की पमैश लई है कि मोहाली जिले की जिहड़ी जमीन है उहदी अज जिहड़ी कीमत है वह किन्नी बनती है 11.5 किलों की, जिहड़े इत्थों दे जिहड़े डीलर है उन्हां नाल भी असी कॉन्टैक्ट किया सीगा, उन्हां दे दसण मुताबक एक जिहड़ी जमीन है अज जे मोहाली जिले च वह जमीन हुंदी ते 66 करोड़ रुपए की बनती है, तो जिहड़ी मोहा उत्थे मलेर, क्योंकि बाकी पंजाब दे विच जिहड़ी प्रोपर्टी का बहुत थले ग्राफ आया, मोहाली है एक जिहड़ा जिला, एक मोहाली जिला जिहदा ग्राफ है प्रोपर्टी का वधिया ही है, घटिया नहीं हैगा, फिर वह जिहड़ी जमीन एयरपोर्ट के नेड़े है, सो इस करके उहदा रेट बहुत हाई है। एक वीर ने सवाल भी किया कि सुख सरकारी संबंधी, मैं वह भी जवाब दे देवां, असी उन्होंने मैमोरेंडम भी देवांगे, उन्होंने मिलांगे भी पंजाब सरकार नूं, जे वो भी मतलब कोई इस गल दा उन्हां दा साथ देणगे ते असी उन्हां दे खिलाफ़ भी पंजाब सरकार दे खिलाफ़ भी विरोध प्रदर्शन करन तो किसे तरह का भी कोई गुरेज नहीं करांगे। देखो जी देखो जी इस तरह के मैं थोड़ा क्लीयर कर दिया, मक्कड़ जो प्रधान से अवतार सिंह मक्कड़ टाइम च ना एक मीडिया च गल आई सी, प्रेस च आई सी भी ओदी गड्डी 2 करोड़ तो उपर तेल खा गई साल च, पर जे वो सारा कैलकुलेट करिए भी वो गड्डी जिहड़ी 2 करोड़ तो उत्ते तेल खांदी है ना, 1300 किलोमीटर डेली का सफ़र करके उन्ना खर्चा बनता, इस तरह दे बहुत ज़्यादा घबले हैं, क्यों जिहड़ा अरबा रुपये का बजट है, इन्नी आमदन है, जिहड़ा इन्हां दे कम है वो 80% कार सेवा वाले फ्री कर रहे हैं, इत्थे तक भी उन्हां तो रिश्वतां लैने सेवा देण दीआं, साडे कोल सबूत है इस तरह के भी उन्होंने कार सेवा देने बदले इन्होंने रिश्वत लेनी है, इस करके बहुत तरह के घपले हैं, क्यों ना तो अजे तक कोई हिसाब मंगने वाला आया नहीं, इस करके नहीं नहीं बिल्कुल जेड़ी कोई इन्होंने सेवा किसी ने देनी है उस तो पैसे भी इन्होंने लेने हैं। हुण एक मसला होर आया अजे क्लीयर नहीं, थोड़े दिन असी वह भी पूरी इनकुआरी करके ना सबूतों के उस दे आधार पर थोड़े सामने लियावांगे भी जिहड़ी एक गोबिंद सिंह लौंगोवाल इत्थे पंचकूले च कोठी बना रहा वो सारी कार सेवा वाले वालों बनाई जा रही है, जिहड़ा कि संगतां दा पैसा देखो एक एक दाणा एक एक पैसा संगतां किन्नी सरदा नाल दनियां, पर ये कादे वास्ते वरत रहे हैं, यही चीज़ां असी सामने लियाउणियां भी आउण वाले समय च जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का प्रबंध है वो चंगे हत्थां च आवे जिहड़ा सुचारू ढंग नाल अगे चला सके। बिल्कुल साडा ये जहेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी अते अकाल यूथ इन्हां दा ये निशाना
भी जे इस तरह करके धर्म के नाँ पर गुमराह कर रहे हैं असी इन्हों के पर्दे फास करके संगत सामने नंगे करने नाल नाल मैं कल्ले नहीं ने तुसी हुण इत्थे बैठे हो केंद्रीय श्री गुरु सिंह साहिबां दी थां दे उत्ते असी ते उपराला बड़े समय तो कर रहे हैं केंद्रीय श्री गुरु सिंह साहिबां ते बाकी होर जथेबंदियां जिहड़ी साडे नाल जुड़ियां होईयां ने ते हुण तुसी देखो असी दिल्ली कमेटी दे विच वी साडा योगदान उत्थे जिहड़ा हुण इलैक्शनां आ रहियां ने जिहड़ा बादल दल नूं उत्थों खारिज कीता गया कि भी तुसी अपना अपना एज बतौर एज अकाली दल बादल तुसी नहीं उत्थे लड़ सकते ठीक है उन्होंने हाल ही बाल्टी का निशान उन्होंने देता कोर्ट ने वह भी चलो बुलका जी गए ने सुप्रीम कोर्ट के भी वह भी निशान ना रहे उन्होंने को पर यह जी चीज़ा जेडे सच्चे सुचे सिख ने असी तो इतों ही अपील करते हैं कि देखो असी एक पासे तो चलो असी श्रोमणी कमेटी को भी असी लताड़ते हैं कि भी इतने ट्रांसपेरेंसी नहीं है चंगे बंदे नहीं आते बट लियाण वाले तो साढ़े ही बंदे ने ना सो असी साड़ी ज़्यादा अपील साढ़े जेडे वोटर ने जेडे सिख इन्हों लेके आते हैं उन्होंने वाल साड़ी ज़्यादा अपील है कि भाई मेरे हो अपना अपना जरा देखो कि भी तुम कहोजे बंदे उत्थे लिया रहे हो एक योजा एक दल दल है जिन्हें सिखी का सिखी सिर्फ वरत्या ही है इन्होंने सिखी का कुछ नहीं किया इन्होंने सिखी वरत्या अपन कोठियां बनाई जिदा भाजी कह रहे हैं या अपन मतलब बिल्कुल गैर कानूनी काम किए ने ते ए सारा जिहड़ा काम हैगा ना ते अपील जानी चाहिए ते हुण ओ जिहड़ा दिल्ली दा फैसला होया साडा इह वी हैगा कि असी जस्टिस सारों नूं इत्थे आके मिलांगे जिन्हां नूं हुण SGPC लई नियुक्त कीता गया है उन्हां नूं वी कहांगे कि भई आ जिहड़ी सियासी पार्टियां जिहड़ियां ने ना जिहड़ियां लड़दियां ने इन्हां नूं बिल्कुल नहीं लड़न दा कोई हक होना चाहिए स्पैशली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे विच उत्थे निरोल सच्चे सुच्चे जिहड़े कि सेवा भावना वाले बंदे हुंदे ने वो आन क्योंकि सियासी पार्टी जदों करनगियां काम तो सियासत दे विच सब गंदी है असी तो कह कह के थक गए कि सियासत ने साडे धर्म नूं बिल्कुल चकड़िया होया है सानू इस तो बाहर निकल की लोड़ है सो तुहाडी गल बिल्कुल दुरुस्त है कि असी सारे कट्ठे हो के जिहड़े इस सोच दे बंदे है असी सारे कट्ठे हो के तो इस चीज़ दे विच बदलाव दे वल असी तुर रहे हां ते तुरांगे जिदा इन्होंने गल की सुख सरकारिया भी चिट्ठी जाएगी ब्रह्म महिंद्रा जरा कि लोकल बॉडीज का है उन्होंने भी चिट्ठी जाएगी कैप्टन साहब न भी चिट्ठी ऑफकोर्स चिट्ठी तो लिखी जाएगी CM साहब न कि भाई इस संगत की गल हैगी ठीक है SGPC भावे उत्थे बैठी है ये अपन जिदा अपनी कमेटी तो यह रेजोल्यूशन पास पूस करके तो एवं जमीन बेची जा रही है बट है तो संगत की संगत का पैसा है तो संगत दे बगैर योजा काम ना करन क्योंकि संगति संगती मसला है एक जिहड़ी मुहिम की गल की है वो असी बहुत बड़े लैवल दे उत्ते पूरे मुल्क दे अंदर चलावांगे क्योंकि पहला असी अंब साहब विखे भी धरना दिता सीगा अज उसका अगला पड़ा इत्थे असी चंडीगढ़ थोड़े कोल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस तो बाद श्री दरबार साहब के बाहर कितने एक थान के उत्ते बिना किसी को डिस्टर्ब करें इन्हों का असी विरोध जतावे बिल्कुल पीसफुली उस तो बाद चंडीगढ़ विखे भी इन्हों का श्रोमणी कमेटी का दफ्तर हैगा उत्थे भी प्रोटेस्ट करांगे तो उस तो बाद असी दिल्ली जाके भी प्रोटेस्ट करांगे लोगों को अपील करांगे कि ये लोग असी पूरा डाटा लेके जावांगे पंजाब का सारा भी देखो इन्नी जमीन गुरु घर दियां ये लोग कोडियां दे भाव जिहड़ी करोड़ों की जमीन सी कोडियां दे भाव वेच चुके ने ते इन्हां लोगों नूं तुसी दुबारा दिल्ली च ना लैके आओ क्योंकि दिल्ली दे विच बहुत बड़े लैवल ते तुसी देखो पहला सिरसे ते भी परचा होया होर बंदियां ते भी परचे होए ने कि इन्हां ने गुरु की गोलक नाल ठगी मारी है पंजाब दे विच तां लोकी बच गए क्योंकि बादलों की अपनी सरकार सी ते परचा किने करना सी इन्हां लोगों के उत्ते सो ये सारे खुलासे असी दिल्ली कमेटी की जिहड़ी चोणां आ रहीआं उत्थे जाके भी संगतां दे कोल रखांगे जिवें बाला साहब गुरुद्वारे का प्रबंध है हुण सिरसे होरां ने कहा कि असी फलाना हस्पताल बनाता फलाना स्कूल बनाता मैनू एक गल दसो जिहड़ा करोड़ों रुपए ला के बाला साहब का जिहड़ा हस्पताल है जिहड़ा खंडर बन गया तुसी देखो उहदे च चार चार फुट पानी खड़िया वो लोगों लई सिखां लई संगत लई बनिया सी उदा कौन जवाब दे है नवे तो नवे यह गल्लां वोटां दे नेड़े आके करदे ने पर जिहड़े पुराने स्कूल या हस्पताल बने हुए ने वो खंडर हो रहे ने उहनां दी राखी रखवाली कौन करूगा तो वह कौन जिम्मेदार है गुरु का जिहड़ी पैसा गुरु की गोलक है संगत का पैसा ये लोग बर्बाद कर रहे हैं उसका कौन जवाब दे है सो ये सारी गल्लां असी दिल्ली दे विच जाके दिल्ली की सिख संगत के सामने रखांगे कि तुसी इन्हां लोगों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करो चंगे उम्मीदवारों वोट पाओ।